son bien. Le tuer le pupul. Ça va dire son tien à la moum, ça là. Mon bon son tien à la moum, ça. A l'autre ville. A tché, ou bien. Or a tché, là, non. मैं अभी इधर डिलीवरी देने आया, एक बर्गर लेकर आया था जो बंगाली का सबकी है। तो मेरा एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई दिन में कितना इनकम होते इस काम में और किस व्हीकल में अच्छा होता है काम करने के लिए और कौन सी व्हीकल अच्छा है। और वही अभी मेरे को इतना ही याद आ रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं कि ये काम फिक्स कभी नहीं होते हैं। आज आप 100 यूरो भी बना सकते हो और कल 100 यूरो भी ना हो, 150 भी होता है। तो फिर जैसे परसों फिर आप लोगों को 20 यूरो भी होता है, ये होता है। इसमें फिक्स काम इसमें फिक्स होता ही नहीं है भाई। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप लोग जितना मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, तो उतना ही इनकम है अगर काम हो तो। अगर काम ना हो ना, फिर तो आप जितना मर्जी टाइम स्पेंड करो तो पैसे बनने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप काम ही नहीं है तो फिर पैसे कैसे होगा भाई। चलो भाई, अब चलते चलते बात करते हैं। और भाई आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर आने वाले टाइम में इसी वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक भी कर दीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। बस अभी ये अभी का नज़ारा, तो मैं इधर से अभी निकल रहा हूँ। देखो ना कितना बुढ़ा बाइक है, ये MR की है, सुपर बाइक है, 4 सिलेंडर। मेरा ख्याल से बहुत पुराना, देखो इसको रिपेयर करे तो फिर अच्छा हो। इधर बच्चे बुड्ढे आराम कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। बच्चे पार्किंग पार्क है, मैं अंदर की गली में आया था डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि रास्ता इधर है पीछे से, तो फिर इधर से फिर इधर इधर आ जाओ भाई। अलग तो धेरे हिन्नू पर्सेंट आए ना, आपसंग साधन होता होते के है ना, तो करूँ भनेर अनि म चाहिँ सिधे माथि हालिदिएको क्या। त्यही भएर म अहिले भेट्छु है। अबे यहाँ न बच्चाहरूको एउटा सानो पार्क रहेछ क्या घरभित्र, ए हाम्रो घरतिर। यहाँ चाहिँ एउटा सिटिङ पोइन्टहरू यहाँ छ, यो कफी सफी खानलाई। यहाँ चाहिँ सानो यो सिटिङ बस्नलाई, यसो चिल हान्नलाई। यहाँ लाइब्रेरी पनि छ होइन। यहाँ छ, यहाँ एउटा कुरा म देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। ए रबर का है, रबर। और ये देख रहा हो, ये ओरिजिनल है। हमारे नेपाली में जो कछुआ बनता भाई, आप हिंदी में क्या बोलते हैं? कितना, एक दो तीन है, तीन चार इधर भी आ गए। मुंडी निकल के घूम रहा है। हाँ ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल है, मतलब प्लास्टिक के मोनी रहा भाई, नॉर्मल ओरिजिनल है भाई। मेरे को लगा प्लास्टिक का है। ये खेल रहा है, ये देखो। सही काम लागो छ बल्ला, बिहान त मिठो पानी पर्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ यस्तै गरिरहेको छ, पानी पुग्यो क्या। यो यहाँ चाहिँ यो भनेको नि यो के अरे कुकुरहरूको त्यो क्या ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ हो क्या यहाँ चाहिँ। यो यहाँ पुरै कुकुरहरूलाई ट्रायल दिन्छ क्या।
ये बहुत बढ़िया भाई, देखने में छोटा है मगर इसका अंदर ना बहुत बढ़िया है। मैं एक दो बार गया हूँ इधर डिलीवरी करने का, भाई इतना गंदा स्मेल आता कसम से, बार वोमिटे कर दोगे भाई यार, इतना गंदा स्मेल आप इतने गंदे स्मेल, मगर क्या करे। एक ऐसे भी है वो उधर ही नजदीक है ऐसे, और एक और भी है तो उधर वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल डॉग की। उधर मैं गया था डिलीवरी करने के लिए भाई, अब दुई तला हिड़ना जानु भाई, तो सेकेंड फ्लोर तक। आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये जिसके घर में लिफ्ट नहीं थे और जो व्हीलचेयर यूज नहीं करते ना उसके लिए एक चेयर जैसा होता है इलेक्ट्रिक है। इधर ही आया था डिलीवरी, अभी इधर से डिलीवरी डन, अभी निकल रहा हूँ मैं। अभी मैं इधर केलू साइड में हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों कि मैं किस आया। मौसम तो देखो फिर से यो टाइपको घरहरू छ क्या। इधर से डाला था मैंने इधर ही, फिर अभी इसी से मैं निकल जाऊँ। इधर से मैं इधर से आया था, इधर से फिर मैं स्टॉप साइन लेके फिर लेफ्ट टर्न लेके मैं सीधा जाऊँगा। अच्छा जगह है इधर केलुज भी, अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन। लास्ट दामी ठाम हो होइन, यो चाहिँ सानो सानो घरहरू छ है, यहाँ चाहिँ बब्बा हाल्छ कि यो पिच चाहिँ सटगाड गयो त्यहाँबाट चाहिँ चिल आउट गर्न, अनि म चाहिँ यहाँबाट आएको थिएँ, अब यहाँबाट पछि निस्किन्छु यही हो है। आप लोग भी देख्छ तपाईँ, बहुत अच्छा लोकेसन है, पिस लोकेसन है, मेरे को ये बहुत पसन्द है ये लोकेसन। कभी कभार आता अर्डर इसमें से आता होगा और ड्राइवर, मगर मैं कभी कभार आता हूँ। कितना पुराना गड्डी ऐसे ही खड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से ऑफिस है इधर, आर्मी सार्मी दिखता रहता हूँ ये भी। इससे पहले मैं इतना अच्छा जगह पे गया था, साले को वीडियो बनाने ही नहीं टाइम मिला कि एक डिलीवरी पड़ गया, तो फिर मैं उसको जल्दी जल्दी लेके फिर निकल गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा माइनस में चला गया था ना, तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल गया। मगर भाई बहुत सुंदर जगह था, अभी अगली बार जाऊँगा ना तो फिर मैं कैप्चर कर लूँगा उसको। चलो यार इस वीडियो में नहीं तो सही, अगली वीडियो में तो कर ही लेंगे, मगर अभी पानी अभी धूप अभी छाँव ऐसे हो रहा है भाई। फाइव फुल फुल इंद्रेणी फुल फुल, ओ माय गॉड। बच्चाहरूको स्कुल हो क्या, पढ्नाउने होइन, आएर खेल्ने कुद्ने हल्ला गर्ने त्यही हो तिनीहरूको काम। त्यो चाहिँ हाइवे गइरहेको छ होइन, यतै कुम्बई हिँडिरहेको छ, यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कुम्बई गयो, त्यो माथिको तपट्टि चाहिँ हाइवे हो है, फेरि दुइटा डबलेर हिँड्छ क्या। मौसम नि जोस् साथ दियोस् आज यसै गरी होइन, पानी सानो नपरोस्, अब पानीले धेरै इरिटेट बनाइसकेको छ है, चिल आउट लोकेसन छ होइन। लेट्स होप आजको दिन राम्रो होस्, पानी नपरोस् होइन, और
भाई व्हीकल ये अच्छा होता है वो अच्छा होता है मैं नहीं बोलूँगा, डिपेंड पड़ता है कि भाई आपका पास है क्या और उसमें से आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो उसमें डिपेंड पड़ता है। सही है। और ये नहीं कि भाई मैं मोटरसाइकिल पे करूँ ज़्यादा कमा लूँ और कार में करूँ ज़्यादा कमाऊँ और साइकिल पे करूँ तो फिर थोड़े कमा लूँ, ये नहीं होते भाई। अब इसलिए अभी वो इंजन वाला है तो फिर साइकिल से तो थोड़ा बहुत तो इनकम हो ही जाता है, मगर फिर भी उसमें तो खर्चा भी है ना, इसलिए भाई ये अच्छा वो अच्छा नहीं है। मैं अभी सिग्नल क्रॉस करके मिलूँगा आप लोगों को। अभी ये लोकेशन पे आए हो अब यार, बारिश ना हो जाए बस वही है। चलो तो थोड़ा थोड़ी अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग कार में करना चाहते हो तो फिर आप लोग कार में भी कर सकते हो, मगर उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक में आप लोगों को वेटिंग करना पड़ेगा। तो फिर अगर आप लोगों को फिर जैसे स्कूटी पे करना है बाइक पे करना है तो फिर इजी है, कहीं से भी निकाल सकते हो ट्रैफिक में, और उससे बेहतर है कि साइकिल। और साइकिल तो फिर रूल भी फॉलो करना पड़ता कभी, मतलब कि ये नहीं कि यार कहीं से भी निकाल दूँ, तो साइकिल भी बेहतर है। अगर डिपेंड पड़ता है कि साइकिल कौन सा है, इलेक्ट्रिक साइकिल है कि नॉन इलेक्ट्रिक, और उसमें भी डिपेंड पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल हुआ तो फिर आपको उसी तरह से आप इतना थकान भी नहीं होते और कहीं से भी निकाल सकते हो चाहे ऊपर पटरी से, मगर पुलिस देख के भाई। और इनकम की बात किया जाए तो फिर अगर मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को भाई काम पे डिपेंड पड़ता है, और अगर काम हो तो 2 घंटे में 20 यूरो भी बन सकता है, अगर काम ना हो तो फिर 12 घंटे में भी 20 यूरो बनता है। ये काम ऐसे ही है भाई, अगर वही डिपेंड पड़ता है काम पे। और व्हीकल के बताऊँ तो फिर आपका पास कौन सा व्हीकल है भाई उसी में काम करो, वही है। और अभी मैं निकल रहा हूँ इधर से, और साइकिल में बताऊँ तो इतना ज़्यादा खर्चा तो नहीं है फिर, मगर होता है बहुत मोटा बहुत खर्चा होता है, और स्कूटी में भी कमाई तो होता है फिर खर्चा भी होता है। उसका इंश्योरेंस पे करो, दिन की तेल डालो और मेंटेनेंस करो, वही है भाई। ये पुल है, ये हाईवे पुल मतलब कि जो ना ये हाईवे है, ऊपर से हाईवे जा रहा है, इसके नीचे खड़ा हूँ कि भाई बारिश हो रहा था फिर अभी गिल्ला कर दिया, तो अभी मैं इधर थोड़ा रुकने के लिए ना, इधर बारिश हो रहा था फिर इसलिए रुक गया इधर। चलो यार अच्छी बात है भाई, बारिश रुक जाओ वही बेहतर है हम सबको लिए। चलो भाई आज के ब्लॉग इतना ही वो करते हैं इंड, और इतने करते हैं। और आज के ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है और अच्छा लगा तो आपको पता ही है कि भाई करना क्या है, सब्सक्राइब। और आने वाला टाइम में ऐसे ऐसे वीडियो आने वाला है, तो फिर आने वाला टाइम में आप लोगों को किस तरीके से वीडियो चाहिए और कौन सी टॉपिक में चाहिए तो बता दीजिए आप लोग अगर नीचे कमेंट करके, तो मैं फिर उसी हिसाब से आप लोगों के लिए बता वीडियो बना लूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते भाई, और सब लोग अच्छे से रहिए, मज़े में रहिए, इंजॉय कीजिए वीडियो देख के, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सबको शुक्रिया, सबको बाय बाय, जय नेपाल। यही हो भाई, अब यहाँ घाम लागेको छ होइन, म निस्किहाल्छु अब, धन्न अलिकति घाम लाग्यो यार, थ्याङ्क गड, म त यो पानीले टेढ भइसक्यो यार, कति पानी पर्या होला यार। यो चाहिँ बुढाको साइडमा होइन म आएको थिएँ, यही हो के यो हाइवे चिनी छ होइन, यसैको तल म बसिरहेको थिएँ। भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला है, त अब म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग चाहिँ भेट्ने नै छु, अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई।